हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पीटी 365 डिस्कस करें, उससे इन्वायरमेंट पोर्शन डिस्कस करें। विजन का 365 है। इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले पहले का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेस है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। इवन कोई फीडबैक दे सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जो भी हो इस नंबर पे टेक्स्ट करके कर सकते हो। एनवायरनमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या आई है, 121 आई है आउट ऑफ 163, ठीक है। और निकालता कौन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये जब आया कब, फाइनल कब हुआ, 2012 में आया ये ग्रुप। और इसको लाने के समय उसमें यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल कौन थे, वान की मून थे, याद रखना। वो चाहते थे बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो साइंटिफिक नॉलेज, जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज चाहिए, उस वो मिल सके। ऑब्जेक्टिव के क्या है कि कैसे न कैसे करके, क्योंकि रैंकिंग लाएंगे तो जिस देश को पता चलेगा भाई हमारी रैंकिंग खराब है, वो और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और उसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट को भी, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उसको भी अचीव करने का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और, इट इज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट एंड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन 1901 इन फ्रांस, ठीक है। इसका मतलब एक एक एनजीओ टाइप है, ठीक है। तो हर देश का अपना निकालता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ समय से, इवन पिछले साल से ही कोई भी देश, किसी भी देश में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। एक वर्ड याद रखना है, एक वर्ड क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब एक कंट्री अगर कुछ करती है ना, तो उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी और कंट्री पे। खासकर रिच कंट्री ऐसा कुछ करती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है पुअर कंट्री पे। तो इंडिया ने किस किस एसडीजी के कौन कौन से इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, सिर्फ दो में अच्छा परफॉर्म किया है, एक है 12वां और एक है 13वां। देखो यहाँ पे एसडीजी का जो नंबर लिखा है, नंबर के साथ जो एसडीजी लिखा है ना, वो गलत लिखा है, गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी नो पॉवर्टी, यहाँ नो पॉवर्टी, यहाँ भी नो पॉवर्टी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं एक अलग पिक्चर में जो असली वाला है वो दिखाते हैं। इंडिया ने दो पॉइंट पे अच्छा काम किया है, एक 13 पे जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन, और एक है 12वां। 12वां क्या है, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इन दोनों पे अच्छा काम किया है। बाकी थोड़ा याद रख लेते हैं। वन का मतलब है नो पॉवर्टी, सेकेंड में जीरो हंगर, टोटल 17 गोल है। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है जेंडर क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये ट्रिपल आई है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर गोल्ड। एक और है इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन फ्रेमवर्क, ये 2023 से 27 के बीच होना है, याद रखिए। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कैप्चर करता है 26 जो यूएन की एंटिटीज के जो प्लान है और प्रोग्राम है वो इंडिया में। मतलब देखो, यूनाइटेड नेशन जो भी काम करेगा सही काम करेगा, तो क्यों ना उस प्रोग्राम को इंडिया में अप्लाई किया जाए। इसलिए उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया, मेन फोकस है इन चार पिलर पे 2030 तक फुलफिल करना है। अब अगला टॉपिक क्या है, देखो ध्यान से देखो बस। सस्टेनेबल सिटीज मतलब ऐसा शहर बनाए जो सस्टेनेबल हो, ठीक है। और इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट, तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया है, कितने स्टेट में, कितने शहर में, 5 शहर में शुरू किया गया, जयपुर, मैसूर, विजयवाड़ा, गुंटूर और भोपाल। पैसा कौन देता है इसके लिए, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, याद रखना है। उसके अलावा ये भी याद रखना, ये हमने कराया हुआ है किसी न्यूज में, कि ये पांच जो बॉडी है उस फंक्शन के लिए पैसा देती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ये जो अप्रोच है, मतलब ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को कौन कौन शुरू किया है, एक तो है UNIDO, उसके अलावा UN हैबिटेट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्लियर। UNIDO का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो प्रोजेक्ट समझ लिया।
कौन कौन सारे मेन याद रखना, इस बॉडी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, हेडक्वार्टर है नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर नैरोबी में है। यूएन हैबिटेट की कई सारी और पब्लिकेशन है। द स्टेट ऑफ वॉल सिटीज, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बन एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड अर्बन, द फ्यूचर वी वॉन्ट। उसके अलावा कई सारे और अर्बन से रिलेटेड कई सारी इनिशिएटिव है। पहला वर्ल्ड अर्बन फोरम, वर्ल्ड अर्बन फोरम कहाँ पे हुआ? पोलैंड में हुआ वर्ल्ड अर्बन फोरम। ये प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, ऑब्वियसली यूएन हैबिटेट करवाता है। 2001 में शुरू किया गया था ताकि रैपिड जो अर्बनाइजेशन होता है ना उसको इंट्रोस्पेक्ट किया जा सके, क्या इससे क्या नुकसान हो रहा है वगैरह सब, ठीक है ना। पहला जो हुआ था नैरोबी में हुआ था, याद रखना। अभी 11वां हुआ है पोलैंड के कैटोविक में। गृहा, गृहा का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। गृहा ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, यूआईडीएआई के जो हेडक्वार्टर है ना उसको ये अवार्ड मिला है, गृहा का एग्जाम्पली परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 वाला अवार्ड मिला है। और गृहा डेवलप किसके द्वारा किया गया? टेरी के द्वारा किया गया है, प्राइवेट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और बस इतना याद रख सकते हो इसमें। और इंडिया का ये ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। सिटीज एक है, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम, इसको क्या किया गया है? ये एक प्रोग्राम है द नेशनल द इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, अंडर दिस प्रोग्राम इन्होंने एक एग्जीबिशन चलाया जिसका नाम है सिटीज ऑफ टुमारो। और ये प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? एक तो हमारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसके अलावा फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है द यूरोपियन यूनियन एंड NIUA मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अगला क्या है? एक है सॉबरन ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड को मतलब पता है कि कंपनी को अगर पैसा उठाना होता है तो बॉन्ड जारी करती है मार्केट में और पैसा उठा लेती है, फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह लगता है वो अलग बात है। अब ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है भाई? कोई कंपनी अगर पैसा उठाएगा तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए में खर्चा करो जो ग्रीन प्रोजेक्ट है, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट हो जिससे कार्बन ज़्यादा जनरेट ना हो, ग्रीन हाउस एमिशन ना हो, ये सब। इसीलिए ना इसमें कई सारे प्रोजेक्ट सीरियसता नाक कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं, सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड को इशू किया था एस बैंक ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया, पहला सॉवरन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, याद कर, तो ये नॉर्मल बात है। और ये शुरू कब किया गया था? किस बजट में? 2022-23 वाला बजट में। म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है, और एक है ब्लू बॉन्ड रिलेटेड होता है ओशन से रिलेटेड, हेल्दी ओशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है ग्रीन परमिट। ग्रीन परमिट की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो परमिट देते हैं ना उसको एक्सटेंड कर दिया उसके टेन्योर को, ठीक है ना। कि मान लो ये 5 साल के लिए परमिट मिलता है, 12 साल के लिए परमिट मिलता है। टेन्योर ऑफ द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस गिवन विद द एक्सटेंडर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का जो प्रोजेक्ट होता है उसको, उसके जैसे कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसको 13 साल की वैलिडिटी मिलती है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसको 15 साल की वैलिडिटी मिलती है, और प्रोजेक्ट है जो माइनिंग और रिवर वैली के अलावा होते हैं उसकी वैलिडिटी 10 साल होती है, उसके अलावा और भी माइनिंग, ये समय ध्यान नहीं देना। अब ये मेन धारा ध्यान रखना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है ना वो किस एक्ट के अंदर वो जरूरी है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के। भाई आप कोई प्रोजेक्ट ओपन कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी होता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये किस रूल के अंदर होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 रूल से अंदर आता है, ठीक है ना। इसके अंदर कई सारे फंक्शन है, ये याद नहीं रखना है पीटी के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है 2006 वाले रूल्स में, कुछ अमेंडमेंट किया गया कि अगर हाईवे प्रोजेक्ट है वो और डिफेंस और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए है लाइन ऑफ कंट्रोल के 100 किलोमीटर दूर तक, तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस कैसे करना है, कैटेगरी कौन कौन होता है, ये आप छोड़ सकते हो। अब दो बॉडी है उसके बारे में देख, एक है स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को इसको डायरेक्शन दिया था किसने? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है ना, कि आप ऐसा बनाइए, और ये काम क्या करती है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस देती है। उसके अलावा
एक क्या है, द रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर फार्म टू सेल्फ रिपोर्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ये छोड़ सकते हो। अगला है ग्राउंड फॉरेस्ट एसेट की बात करते हैं, सॉरी क्लाउड फॉरेस्ट एसेट, ऐसा ऐसा फॉरेस्ट जो कि थोड़ा हाइट पे है। हाइट पे तो वहां पे क्या हो सकता है, क्लाउड भी आते हैं, जैसे माउंटेन पे जो कोई पहाड़ है तो उसके आसपास क्लाउड भी आते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि एक एक रिपोर्ट निकाले, रिपोर्ट का नाम है क्लाउड फॉरेस्ट एसेट फाइनेंसिंग ए वैल्यूएबल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। देखो अब क्या होता है, इसको बचाने के लिए आप कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो, मतलब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो। और ये रिपोर्ट किसने निकाला है, अर्थ सिक्योरिटी ने निकाला है, सो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। क्लाउड फॉरेस्ट का क्या होता है, अगर कोई फॉरेस्ट 1500 से 3000 एवब सी लेवल पे है, उसके अलावा कूलर है, वेटर है इवन फॉरेस्ट से, उसके अलावा छोटा छोटा ट्री है और मॉसेस और फर्न्स है, उसके अलावा ग्राउंड जो डेंस ग्राउंड लेवल क्लाउड इस पे होते हैं, ब्लैंकेट बना के रखे होते हैं, और एरिया जिसमें 10% से ज़्यादा क्या हो, फॉरेस्ट हो, और उसमें 70% से ज़्यादा फॉग की डेंसिटी हो, तो ये क्या आएंगे, इसके अंदर आएंगे। एक एक इनिशिएटिव है, याद रख लीजिए, CF25, एक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ध्यान देना, इन्वेस्ट करते किया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए, इन्वेस्ट टू ब्रिंग कंट्रीज देयर क्रेडिटर्स एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर टू एक्सेलरेट कंसोलिडेट टू प्रोग्रेस एंड स्केल सच इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो अगर आपसे CF25, यानी CF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लाउड फॉरेस्ट 25, अगला है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो रीस्टोरेशन में मदद करे, इशू स्पेसिफिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो ना, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करे, ह्यूमन की वेलबींग करे, दोनों हो तभी इसको नेचर बेस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एडेप्टेशन मिटिगेशन ये सब नॉर्मल है, ये सीधा आप एलिमिनेट कर दोगे। अब क्या है, एक रिपोर्ट है, किस क्या नाम है, SFN यानी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है ना, स्टील मतलब अभी भी नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में उतना पैसे नहीं दिया जाता है, अंडर फाइनेंस है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा और भी बॉडी है, एक है ELD और एक है मैकिन्से, तो मेन आप ये याद रखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव फ्यूल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल एंड, पहला क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, वो पहली बार एस्टाब्लिश कर रहा है इंडिया का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लान, थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले ये कहां पे स्टैब्लिश किया जाता है, कवरत्ती लक्षद्वीप में, कवरत्ती लक्षद्वीप में। और मेन इसका क्या काम होगा, मेन काम होगा कि आप जो सलाइन वाटर है ना, ये इस प्रोजेक्ट से सलाइन वाटर को आप किस में बनाइए, पोर्टेबल वाटर मतलब पीने से वाले वाटर। ये पहले भी एक बार शुरू किया गया था, शुरू मतलब लगा था कि शुरू हो जाएगा, बट अबेंडेंट कर दिया गया। और इस एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना उसको यूज करके, टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे डेप्थ में ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर रहेगा, टॉप में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, इसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके ये वो फ्रेश वाटर बना लेते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ये सब याद नहीं रखना है। कुछ और होते हैं, एक होता है वेव एनर्जी, करेंट एनर्जी, करेंट एनर्जी ओशन करेंट के कारण क्या होता है, ओशन करेंट के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और फिर टरबाइन वगैरह से एनर्जी हम लोग बना लेते हैं। टाइडल एनर्जी, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या हो रहा है, हाई टाइड से लो टाइड हो रहा है, उससे टाइडल एनर्जी बना लेते हैं, वेव एनर्जी बना लेते हैं। तो ये तो उन्हें तो पता ही है, एक और हमने नया बना रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस इससे होंगे, तो चैलेंजेस हमको याद नहीं रखना है। अब सिंधुजा 1, सिंधुजा 1 क्या है, ओशन वेव टेक्नोलॉजी कन्वर्टर, ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, कौन डेवलप किया, IIT मद्रास ने। ठीक है, क्या है सिंधुजा, क्या है, एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो कि IIT मद्रास ने बनाया। कोल गैसिफिकेशन, कोल गैस के, देखो सरकार कह रही है कि कोल गैस के में हम आपको कंसेशन देंगे, रेवेन्यू में कंसेशन देंगे, बस इतना याद रखना। और मेन हो क्या रहा है, कोल गैसिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें
कोल को किस में बदला जा रहा है? सिंथेसिस गैस में। अब क्वेश्चन होता है सिंथेसिस गैस का मतलब, यानी सिन गैस उसको बोलते हैं, उसमें होता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ये दोनों चीज होता है। इसके दो टाइप है, एक होता है इन सीटू प्रोसेस और एक होता है एक्स सीटू प्रोसेस। उसके अलावा जब हम सिन गैस बनाते हैं ना, तो कुछ चीज एक्स्ट्रा भी निकल जाता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल फ्रॉम कोल, स्लैग जिसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे बना, क्योंकि आपको पता है हमारे देश के कोल में सल्फर का प्रेजेंस तो होता ही ना, तो किसके साथ मिलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड ही तो बनाएगा। उसके अलावा कार्बोनाइल सल्फाइड बना देता है थोड़ा बहुत। गैसीफायर तीन टाइप का होता है, फिक्स्ड बेड गैसीफायर होता है, उसके बाद फ्लूडाइज्ड बेड गैसीफायर होता है, और होता है इंट्रेंड फ्लो गैसीफायर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रेंड फ्लो गैसीफायर में ये देखो, सिन गैस में क्या मिला होता है? फ्री ऑफ वायल या टार, मतलब सिन गैस जो होता है ना, उसमें ना वायल मिलेगा ना टार मिलेगा। उसके अलावा फ्लूडाइज मतलब फ्लूड बना दिया, फ्लूड फ्लूड मतलब पानी टाइप का, इसमें क्या होता है? यूनिफॉर्म पार्टिकल मिक्सिंग होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, विथ हाई चार रिसाइकलिंग रेट एंड लेस कैपिटल कॉस्ट होता है, मतलब चार रिसाइकलिंग का रेट ज़्यादा होता है, कैपिटल कॉस्ट पैसा कम लगेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, फिक्स्ड बेड गैसीफायर का थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है फ्लो ऑफ गैस के, और इसमें जो प्री ट्रीटमेंट जो होता है ना, जो कोल शुरू में लगता है, उसको शुरू में कोल जो लगता है उसका कोई ज़्यादा प्री ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, पहले ये करो नहीं, डायरेक्ट यूज कर लो। अब क्या है यहाँ पे, नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट टू अचीव 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन, टारगेट कब है? 2030 में। ठीक है ना, टारगेट 2030 में। नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल, तो पहले समझिए चार जनरेशन बायोफ्यूल्स का है। पहला है कि हम एडिबल बायोमास से बनाते हैं, सेकेंड है नॉन एडिबल बायोमास से बनाते हैं, थर्ड है एलगी बायोमास से बनाते हैं, थर्ड है जो अलग प्रोसेस है, जैसे ब्रेक थ्रू हमें सब इसलिए बोलते हैं, कोई बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी। पहला में शुगर बीट, शुगर केन, वीट और कॉर्न यूज किया जाता है। नॉन एडिबल कौन है? वुड, स्ट्रॉ, ग्रास, वेस्ट यूज किया जाता है। उसमें एलगी में माइक्रो एलगी और माइक्रो एलगी, और इसमें होता है पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल, इंजीनियर एल्गल और गैसिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो चार जनरेशन है। एक्चुअली हुआ क्या कि 2022 तक कंप्लीट करना था 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग, ठीक है ना, 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, बट हमने 2018 में ही कवर कर लिया 10%, तो हमारा जो 2030 में टारगेट था 20%, उसको भी हम पहले कवर कर ले रहे, कब? 2025। अब टारगेट ये हो गया, 10% वाला टारगेट 2022 में पूरा करना था, जो कि हम 2018 में ही पूरा कर लिए, तो जो अब 20% वाला है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलना चाहिए, मिला होना चाहिए, ये है टारगेट है 2030 में, लेकिन हमने इसको और पहले टारगेट को पहले ही कर लिया कि 2025-26 में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल याद नहीं रखना है। इम्प्लीमेंटिंग कौन करता है बायोफ्यूल कौन कौन है? बायोएथेनॉल, बायोडीजल और बायो सीएनजी। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कि सेटअप किया गया था 2020 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर आया था? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, उसमें काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। बायो एनर्जी प्रोग्राम का मतलब है कि भाई आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, एनर्जी जनरेट कर रहे हो या गैस जनरेट कर रहे हो, उसके लिए क्या यूज कर रहे हो आप? ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हो या बायोमास यूज कर रहे हो? ठीक है, बायोगैस क्या क्या होता है? बायोगैस में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बायोमास क्या है? बायोमास होता है रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर डैट कम फ्रॉम द प्लांट और एनिमल से आता है। ठीक है, और इससे आप क्या बनाते हो? आप बायोगैस बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल बायो एनर्जी जो प्रोग्राम है ना, उसके तीन सब स्कीम है। तीन सब स्कीम कौन कौन है याद रखिए, एक तो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, सेकेंड है बायोमास प्रोग्राम, थर्ड है बायोगैस प्रोग्राम। क्या क्या है? पहला है वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, सेकेंड है बायोमास प्रोग्राम, थर्ड है बायोगैस प्रोग्राम। पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है, यहाँ पे क्या किया जाए, वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट जनरेट होता है अर्बन एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में या एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, इससे एनर्जी बनाने के पास प्रावधान है, बायोगैस बनाने दिया जाएगा। तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? इरेडा।
यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको मिनी रत्ना का दर्जा मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। इसका भी बायोगैस प्रोग्राम का भी यही इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, और इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बायोगैस प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेड बाय द प्रोग्राम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे इसमें जानने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री जो एक कुसुम योजना है, कुसुम, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, यानी पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री हो गया ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। इसमें मेन क्या किया गया है कि जो भी पहले क्या होता है, जो भी बोरिंग या दमकल लगता था खेत में, उसमें एनर्जी कहाँ से आती थी, या तो इलेक्ट्रिसिटी से आ जाए, या पहले पेट्रोल डीजल का यूज करते थे। अब उसमें क्या किया जा रहा है कि भाई आप सोलर प्लेट का, यानी सोलर पावर से उसको एनर्जी दो, ठीक है ना। पानी आप निकाल रहे हो, ठीक बात है, लेकिन उसको सोलर एनर्जी दो। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब कंपोनेंट क्या है, पीएम कुसुम के तीन कंपोनेंट है, पीए कंपोनेंट ए बी सी। इसमें क्या किया जा रहा है, इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर एंड प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप, मतलब एग्रीकल्चर पंप बनाओ जो जिसको कौन पावर दे, सोलर पावर दे। अब क्या, सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर, और स्टार्टेड एट सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड एग्रीकल्चर पंप। सिंपल समझो, मेन है सोलराइजेशन, उसके अलावा आपका एक्स्ट्रा एनर्जी बचता है तो आप उसको क्या कर दो, ग्रिड से जोड़ दो। यही नहीं किया है, इंस्टॉलेशन ऑफ ए डिसेंट्रलाइजेशन ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट। अब देखो हमारा इससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसमें बताया है कि नॉन फोसिल्स फ्यूल्स का यूज करेंगे हम 40% 2030 तक, बट इसको अब बढ़ा दिया गया है, जो ग्लासगो में है, जो हमने पंचतंत्र दिया है, इसमें 40% को ये अब 50% कर दिया है, ठीक है। कंपोनेंट वगैरह हमको पढ़ना नहीं है। अब देखिए कुछ अदर सोलर रिलेटेड न्यूज है। पहला, स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क, सोलर पार्क बनाने की बात है, एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ठीक है। तो बस ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। टारगेट क्या है कि 25 सोलर पार्क बनाते हैं और अल्ट्रा सोलर पार्क बनाते हैं, और इसका नंबर नहीं दिया हुआ है, बट ये याद रखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है ना, 175 गीगावाट है, जिसमें से 100 गीगावाट किसके लिए है, सोलर के लिए है, अभी तक 61 हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सोलर सेल, ऑर्गेनिक सोलर सेल तो किसने डेवलप किया है, रिसेंटली रिसर्चर जो आईआईटी कानपुर के, उन्होंने डेवलप किया ऑर्गेनिक सोलर सेल ऑन स्टील सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना। ये क्या कन्वर्ट, इट कैन कन्वर्ट ए स्टील रूट इनटू ए एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब इसकी स्टील रूट को क्या कन्वर्ट कर देंगे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लाइट वेट होगा। अगला, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बन रहा है, एनटीपीसी रामागुंडन में, तेलंगाना में, याद रखिए। कितना मेगावाट है, 100 मेगावाट है। उसके अलावा एक कैंपेन है, घर के ऊपर सोलर सुपर, घर के ऊपर सोलर इज सुपर, ये कैंपेन है सोलर रूफ टॉप बनाने के लिए, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें गवर्नमेंट इवन 40% सब्सिडाइज भी करे हाउस होल्ड को। अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल, मतलब किस चीज के फोकस करें कि ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया है इसको, इस एक्ट को। इसमें कुछ हाइलाइट्स क्या है, ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है ना, कुछ क्योंकि ये अभी रूल्स बना है तो इस पर उतना ध्यान देना नहीं है। और एक है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों ने मिल के लॉन्च किया है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी वाले मिनिस्ट्री। कुछ और एनर्जी के सोर्सेस है, एक है कोल विद मिथेन, कोल बेड मिथेन। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या डिसाइड किया, एक गाइडलाइन बनाया है जिसमें मेन उनका फोकस क्या है कि कोल बेड मिथेन जो है ना, जहां पे मिथेन आपको पता है नेचुरल गैस है, बट एक अनकन्वेंशनल फॉर्म में है,
अनकन्वेंशनल फॉर्म में कैसे, कि कोल के जैसे देखो होता क्या है कि जब कोल और मीथेन कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो कोल सैचुरेटेड हो जाता है वाटर के साथ, बट मीथेन इस कोल के अंदर ट्रैप हो जाता है, इसके कारण ही कोल वेट मीथेन, तो इसको निकालना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, यूजर तो ऑब्वियसली पावर जनरेशन में, पावर में यूज होगा। अब नेक्स्ट है जियो थर्मल एनर्जी। अब यहां याद करना, ONGC ने एक ड्रिलिंग स्टार्ट किया कहां पे, पूगा में। पूगा कहां पे, लद्दाख में, ताकि जियो थर्मल पावर के मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ठीक है, जियो थर्मल पावर प्लांट यूज, ये हाइड्रो थर्मल रिसोर्स का यूज करेंगे, इसमें वाटर का भी यूज करेंगे और हीटर हीट का भी यूज करेंगे, जिससे वो एनर्जी बना सके। तीन टाइप के हो जियो थर्मल, एक होता है ड्राई स्टीम, फ्लैश स्टीम और बाइनरी साइकिल। इन्वेस्टिगेशन वही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। बायोमास को फायरिंग क्या होता है, एक मिशन है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, सामर्थ मिशन। ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास, ध्यान देना, इन कोल बेस्ड थर्मल पावर। देखो जो थर्मल पावर प्लांट में आप पहले कोल यूज करते थे, उसके जगह पे आप क्या यूज करो, बायोमास यूज करो। ठीक है ना, यानी को फायर्ड बायोमास का जो पैलेट्स बनाए जाते हैं उसका यूज करने की बात कर रहे हैं। एडवांटेज फायदा होगा, ग्रीन मेथेनॉल का मतलब सिंपल है भाई, मेथेनॉल बना रहे हो ना, मेथेनॉल CH3OH, इस मेथेनॉल को बनाने के लिए एनर्जी जो लगेगा ना वो ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, मतलब मेथेनॉल के बनाने के प्रोसेस में आपका ग्रीन हाउस गैस रिलीज ना हो। ठीक है, तो NTPC ने अभी क्या है, दो कंपनी है, एक NTPC और है टेक्नियोमेंट, टेक्नीमेंट, ये इटली बेस्ड कंपनी है, इन दोनों ने ग्रीन मेथेनॉल प्रोडक्शन पे काम किया है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एशिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट बनाया जा रहा है, कंप्रेस्ड बायोगैस कहाँ पे, पंजाब में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। ठीक है, ये क्या है, कंप्रेस्ड एंड प्यूरिफाइड बायोगैस होता है, जो कि प्रोड्यूस कैसे होता है, या तो वेस्ट से या तो बायोमास सोर्सेस से। एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, सतत क्या है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, इसी के अंतर्गत ये शुरू किया है कंप्रेस्ड बायोगैस। पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका अभी यूज होता है ना, तो उस नेचुरल गैस में के जगह पे बायोगैस ले। वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल ये कहाँ पे बना है, दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है, भावनगर गुजरात में बन रहा है, ये है एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है और 2026 से ऑपरेशनल हो जाएगा, PPP प्रोजेक्ट से बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस, ग्लोबल ऑफशोर विंड एलायंस 9 कंट्रीज में ऐड किया जा रहा है। इनिशिएटिव किसका है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का। ठीक है, अगला टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंसी पे, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया, याद रखें एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, पहले 2001 में एक्ट आया था, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था 2010 में। अब हुआ क्या है, इसमें फोकस वही किया जाए कि एनर्जी कंजम्पशन पे, एनर्जी एफिशिएंसी पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, कंजम्पशन कंजर्वेशन, और इस पर फोकस किया जाएगा। इम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को तो स्पेसिफाई करे कार्बन क्रेडिट, जो ट्रेडिंग स्कीम होती है ना कार्बन क्रेडिट की, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ये सब रिक्वायरमेंट वगैरह शेयर करेगी, और एक एक इम्पॉर्टेंट है एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड टू रिप्लेस एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग, तो ये ला रही है इसके जगह पे। ठीक है, बाकी कुछ एज सच प्रीलिम्स के लिए याद रखने लायक नहीं है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बन रही है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है ना, इसी का काम होगा कि फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज करो। चलो, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये कौन दे रहा है रिपोर्ट, नीति आयोग, स्टेट का एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। और इसमें रिपोर्ट के इसमें क्या कर रहा है, तीन पार्ट में बताया कैटेगरी क्या है और उसका स्कोर होना चाहिए 46 से ज़्यादा, और इसमें बोल रहा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ट्रैक करेंगे भाई, नापेंगे कि आप क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में कितना अच्छा काम करो या कितना खराब काम करो। पैरामीटर क्या है, 6 पैरामीटर है और 27 इंडिकेटर है। 6 पैरामीटर क्या है कि भाई डिस्कॉम जो कंपनी होती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, उसकी परफॉर्मेंस, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी, एनर्जी कैसी होती है, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव की बात करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की और अदर इनिशिएटिव।
स्टेट का क्लासिफिकेशन होता है इससे अच्छा कंजम्पशन। मेन यहाँ पे देखिए रैंकिंग हम थोड़ा देख लेते हैं। रैंकिंग बार देखो सबसे ज्यादा टॉप स्कोरर कौन है, ओवरऑल चंडीगढ़ है, सबसे लोअर लक्षद्वीप। अगर स्टेट की बात करो तो सबसे ऊपर गुजरात, और सबसे छोटे स्टेट में सबसे ऊपर कौन है, गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर, यूटी में चंडीगढ़ के बाद दिल्ली वगैरह आता है। तीन इंडेक्स है याद कर लेते। पहला वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स, वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स कौन निकालती है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल निकालती है। इंडिया की रैंकिंग है 75 आउट ऑफ 137, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क टॉप पे आता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है कि कितना आप ट्रांजिशन कर रहे हो नॉर्मल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी में जा रहे हो। इंडिया की रैंक है 87 आउट ऑफ 115, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क टॉप है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये अर्नेस्ट एंड यंग निकालती है। 3/40 इंडिया की रैंक है, काफ़ी इंडिया अट्रैक्ट हो रहा है इसके तरफ। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच निकालती है, और इंडिया की रैंक है 3/40। उसके अलावा और क्या है, कुछ अदर इनी एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव है। किसका है, पहला नाम है प्रोमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन सेलेक्टेड एमएसएमई क्लस्टर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किसने किया, एक तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बीईए के साथ मिलकर। बीई क्या होता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ध्यान देना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। फंड कौन करा है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। सक्षम क्या है, सक्षम को 2022 में लॉन्च किया गया था, यहाँ ध्यान रखिए। एक कैंपेन है 1 मंथ लॉन्ग पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है कि भाई आप फ्यूल को कंजर्व करो, किसके द्वारा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, पीसीआरए के द्वारा। ये पीसीआरए किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। अगला क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पहला है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का कंपोनेंट कौन होता है, बीज अमृत, मतलब आप पहले ट्रीटमेंट जो सीड्स का होता है ना वो काउ डंग के साथ करो, यूरिन के साथ करो, लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन से। ऐसा नहीं कि सीड्स आप खरीद के ले आओ, फर्टिलाइजर के साथ उसका करते हैं। कॉन्टैक्ट यानी अर्थ वर्म से सॉयल को आप तुड़वाओ। जीव अमृत यानी सॉयल की फर्टिलिटी आप कैसे बढ़ाओ, काउ के यूरिन, काउ के डंग, पल्सेस, फ्लोर, जैगरी, इन सब के साथ। फिर मल्चिंग होता है, मल्चिंग का क्या करो, क्रिएट माइक्रो क्लाइमेट यूजिंग डिफरेंट मल्चिंग, जैसे ट्री, क्रॉप, बायोमास, इन सब का यूज करिए। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि आप बायोलॉजिकल कंकोक्शन, मतलब आप पेस्टिसाइड हर्बिसाइड नहीं छींटने लगो पेस्ट के डिजीज वगैरह से बचाने के लिए, ये बात सब लिखा हुआ है। इसलिए नेचुरल फार्मिंग को हम इकोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच भी बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है तो आपको पता ही होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है मिशन का ये नहीं याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिशन देखिए, एक हमारा मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंतर्गत एक आता है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम। तो सिंपल समझो एक बड़ा सा स्कीम है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंदर आता है परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके अंदर आता है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर काफी ज्यादा होता है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति यानी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, 6 साल का टेन्योर है याद रखिएगा। और नॉलेज पार्टनर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। अगला क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में किया जा रहा है, इंडिया ने का प्रपोजल था याद रखिएगा, ताकि अवेयरनेस जगा सके कि मिलेट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में, फूड ग्लोबल प्रोडक्शन में इसको इंक्रीज किया जाएगा, एफिशिएंसी प्रोसेसिंग ये सब होगा, मिलेट्स को प्रमोट किया जाएगा एज ए मेजर कंपोनेंट। और याद रखें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसने ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट किया कहाँ पे, रोम में, इटली में, याद रखें। मिलेट्स क्या होता है, इसमें कई सारे, किस फैमिली से बिलोंग करती है, पोयासी फैमिली से बिलोंग करती है, पोयासी है, स्मॉल ग्रेन सीरियल होती है जो कि भारत के इंडिजिनस होता है, भारत के कई पार्ट में मिलता है,
और इसमें प्रोटीन भी फैट भी सब कुछ अच्छा होता है, याद रखिएगा। मिलेट्स के कोई सा टाइप है, मेजर मिलेट्स कौन कौन होते हैं, शॉर्गम जो कि ज्वार होते हैं, पर्ल मिलेट जो कि बाजरा, फिंगर मिलेट यानी रागी। उसके अलावा माइनर मिलेट में कौन कौन आते हैं, ककुम यानी फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट यानी चेना बरी, लिटिल मिलेट्स मतलब कुटकी शावन, उसके बाद होता है बर्नयार्ड मिलेट मतलब शनवा, कोरो मिलेट का मतलब होता है कोरो। उसके अलावा कुछ स्यूडो मिलेट होता है, एक का नाम होता है अमरनाथ, अमरनाथ, और इसका हिंदी होता है राग गीरा। उसके बाद होता है बकवे, बकवेट, कुट्टू इसको बोलते हैं। बेनिफिट्स कंजम, हमें फायदा है, फार्मर को फायदा है, इकोसिस्टम को फायदा है, सब कुछ, ठीक है ना। टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है, सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। डायरेक्ट सीडेड, देखो अभी तक तो हम राइस को क्या कर रहे हैं यानी पैडी को क्या कर रहे हैं, पहले हम उसका एक सीड सैंपल बना रहे हैं, फिर उसको जमीन में लगा रहे हैं, ऐसे रोप रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट सीड, डायरेक्ट आप सीधा बीज को सीधा गाड़ दो, जिस तरह हम गेहूं में करते हैं, गेहूं में करते हैं। तो यहाँ पे अभी हुआ क्या है, फार्मर रिजेक्ट कर रहा है इस बात का, फार्मर रिजेक्ट कर रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि इससे बहुत ज्यादा जॉब छिन जाएगी, क्योंकि एक यही चीज है ना जो आपको हाथ से करनी पड़ती है जनरल, बहुत मतलब इसमें मशीन भी उतना फायदा नहीं कर पाता डायरेक्ट। इससे वाटर बहुत सेव होगा, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी बोलते हैं। कुछ और राइस कल्टीवेशन के टेक्निक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ड्रिलिंग मेथड, जापानीज मेथड, अलग अलग तरीका है। फायदा इशू याद नहीं रखना है। राइट टू रिपेयर क्या है, देखो राइट टू रिपेयर, रिपेयर क्या है, सिंपल समझो, अगर आप नॉर्मल कोई सामान लाए, तो कुछ खरीद के कोई मशीन लाए, तो मशीन में क्या होता है कि आपको अगर थोड़ा भी कुछ खराब हुआ तो डायरेक्ट आप चले जाओ उस सर्विस सेंटर में। सरकार ऐसा चाहती है इसके थ्रू कि बहुत कुछ लोग, अगर कोई मेजर खराबी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बहुत कुछ लोगों को पता चले कि खुद ठीक कैसे कर ले, मतलब थोड़ा खराब हुआ खुद ठीक कैसे कर ले, सब कुछ किताब में देना होना चाहिए, उससे रिलेटेड वीडियो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मतलब जो कंपनी बना रही वो सब कुछ प्रोवाइड करे। तो इसलिए एक पोर्टल बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने अनवील किया है, किस दिन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर डे के दिन। नेक्स्ट क्या है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी, स्कोप ऑफ अथॉरिटी अंडर डैम सेफ्टी एक्ट, डैम सेफ्टी एक्ट याद रखना है। सब लार्ज डैम की बात करें, नंबर ऑफ लार्ज डैम तो सबसे ज्यादा आता है कहाँ पे, सबसे ज्यादा यूएसए, फिर चाइना एंड थर्ड पे इंडिया आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को बोला कि आप प्लान स्पेसिफाई करो कि क्या काम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का, कि आप उसके काम को तो बताओ, उसका स्कोप क्या है, और जो भी और बॉडी होती बॉडी है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट के तहत। नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट आया था ना 2021 में, सुप्रीम कोर्ट साइटेड द डैम सेफ्टी एक्ट इज ए पैनसिया टू एंड द पेरेनियल लीगल बैटल बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला ओवर मुलापियार डैम, ठीक है ना। उसमें क्या है, यहाँ पे एक कंप्रिहेंसिव एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक तो काम पे, उसके अलावा दो स्पेशलाइज बॉडी को स्टैब्लिश करने की बात की, एक कौन है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, और एक है एनडीएसए। तो उसका क्या काम है वो तो प्रोवाइड करे। मुलापियार डैम की बात करते हैं, ये केरला और तमिलनाडु पे है, इडुकी रिजर्व है यहाँ पे, इडुकी रिजर्व, यहाँ पे पेरियार रिजर्व, टाइगर रिजर्व है इसके पास में, मुलापियार डैम यहीं पे है, और उसके अलावा यहाँ पे सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। या देखो 126 साल पुराना डैम है, जिसको ऑपरेट, ओन्ड और मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये जो है ना वो पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास आता है, तो डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है ना। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि न्यूज में रहते हैं उस पे क्वेश्चन क्या है, कुआर हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसका है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब रिवर पे, याद रखना बस इसका। अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। दिवांग, ये लोअर दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश पे, रिवर कौन है, दिवांग। इटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, दिवांग वैली अरुणाचल प्रदेश पे, दिवांग रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र का।
डीप सी माइनिंग की बात करते हैं, माइनिंग किया जाता है सी के अंदर। तो अभी हुआ क्या है, एक्सपर्ट जो बैठे थे 27वें सेशन इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी में मीटिंग हुआ और बताया कि क्या क्या लॉस हो सकता है स्पेसिज को और इकोसिस्टम को डीप सी माइनिंग से। ठीक है, और सिंपल है ना, आप अंदर से कुछ निकालते हो डीप सी माइनिंग करके, ठीक है ना। इंडिया का भी डीप सी माइनिंग है फॉर माइनिंग सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, और इसको ग्रांट किसने किया, आईएसए ने किया है, मतलब यही इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी ने किया है। देखो 55% वर्ल्ड का ओशन सी फ्लोर है ना, वो बियॉन्ड आता है नेशनल ज्यूरिडिक्शन के, किसी का नहीं आता है, तो कॉमन हेरिटेज है ना। तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये हेडक्वार्टर का है किंगस्टन जमैका में है। एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आया 1994 में व्हेन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ये फोर्स में आया। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली मैरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। 168 देश है, इंडिया मेंबर है, हाँ। उसके अलावा अनक्लोज ने दो बॉडी एस्टैब्लिश किया है, एक का नाम है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। सेकेंड, कमीशन ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल। अगला है कुछ रिवर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है, एक है कालसा बांदूरी रिवर प्रोजेक्ट, कालसा बांदूरी रिवर प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया जा रहा है, सेंटर ने अप्रूवल दे दिया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो ट्रिब्यूटरी है ना महादई रिवर को, महादई रिवर, इस रिवर के ट्रिब्यूटरी से पानी को, क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है, उस पानी को कहाँ रखना है, दूसरे रिवर में, मालप्रभा रिवर में, मतलब समझो समझो महादई रिवर जिसको मंदोवी रिवर बोलते हैं, उसकी दो ट्रिब्यूटरी, एक का नाम है खालसा, एक का नाम है बंदूरी। इन दोनों रिवर से पानी को डाइवर्ट करना है मालप्रभा रिवर में, जो कि कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है, आराम से पूछ ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। एक देखो 20वां मीटिंग में एक स्पेशल कमिटी है ना, उसने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का जो है उसने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट को। कौन सा प्रोजेक्ट है, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, इसको इंटीग्रेट करने की बात की गई है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट। किस प्रोग्राम के तहत, नेशनल पर्सपेक्टिव प्रोग्राम, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, इसको किसके साथ, एक इंटीग्रेटेड राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के साथ, है। उसके बाद स्पेशल कमिटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये कब बना था, 2014 में बना था, वही काम करने के लिए कि रिवर इंटरलिंकिंग की बात करते हैं। उसके बाद ईआरसीपी, मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, वो क्या बात करते हैं, इंट्रा रिवर बेसिन ट्रांसफर की बात करते हैं विद इन द चंबल बेसिन। कुछ रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है कि कैसे एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है, कुछ ज्यादा इस पर नहीं डिस्कस करना है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये हर 2 साल पे निकलती है, और शुरुआत में इसका नाम था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। 180 कंट्री, इंडिया की रैंक 180 है। रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ये रिलीज ही करती है REN21, इसका नाम ही है REN21। उसके बाद रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स, एरीना निकालती है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट की बात करते हैं, ये भी एरीना निकालती है, ये बोला कि डिक्लाइन हुआ है इसमें। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब एनुअल रिव्यू, वो कौन निकालती है, एक तो एरीना निकालती है और उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब कितना क्रिएट हुआ है इसकी बात करें, सोलर पीवी से 217,000, ठीक है ना, लगभग 2 लाख की बात करते हैं लिक्विड से, तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 8 लाख जॉब क्रिएट हुआ है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट ये कौन निकालती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है।
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात करें, ये भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, एनुअल रिपोर्ट होता है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट की बात करते हैं, ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल निकालती है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर ये निकालती है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। अगला है इनविस्टेस, ठीक है, स्टैट्स, सिंपल सा एनवायरमेंट स्टैट्स इंडिया, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर निकालती है, ये एनएसओ रिलीज करता है, याद रखना आपको। उसके बाद और इसका फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क कंपोनेंट नहीं याद नहीं रखना है, फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, ये 2013 में मल्टीपर्पज कंसेप्चुअल एंड स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये छोड़ सकते हो सिंपल। अगला टॉपिक क्या है, ज्योग्राफी। तो अब ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए हैं, एक बारी मैं दिखा देता हूँ, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके 4.10। अब ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट एक वीडियो में, और एक ही वीडियो में सारा डिस्कस कर लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट एक वीडियो में, अपेंडिक्स अगले वीडियो में। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, इसके बाद हम साइंस एंड टेक शुरू करें या इकोनॉमी से शुरू करें, आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो, थैंक यू।